जय हिंद मेरे महान भारत के महान किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम गोबर से वर्मी खाद बनाने की सबसे सरलतम विधि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो अभी जो प्रचलित विधियाँ हैं वो बहुत खर्चीली है, जिस कारण किसानों का उसकी तरफ रुझान बहुत कम हुआ है और इसमें ज़्यादा किसानों ने इंटरेस्ट भी नहीं लिया है। इसलिए हम एकदम सरलतम विधि के बारे में बात करेंगे आज, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रचलित विधियों में सबसे प्रमुख है पक्का बेड बनाना। पक्के बेड में ईंटें, सीमेंट, रेत, फिर उनके ऊपर शेड लगाना, फिर जो कारीगर वो मिस्त्री होता है वो भी बहुत से पैसे ले जाता है। इसलिए ये भी बहुत खर्चीला है। और अगर हम मार्केट से वर्मी बेड परचेज करें तो वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल एकदम सरल विधि के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक, रोक। इस विधि में हमें सबसे पहले बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने के लिए हमें जगह साफ़ करनी होगी। ये देखिए, मैंने मेड़ है, यहाँ पर मैंने जगह साफ़ की है। और जगह साफ़ करने के बाद आपको मिट्टी या फिर ईंट लगा के कुछ भी करके यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना, साइड में बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री बनाने के बाद आप या तो इस पर पन्नी डाल सकते हो या फिर फटा हुआ तिरपाल कुछ भी डाल सकते हो, जिससे कि वर्म्स ज़मीन के अंदर न जाए। वो इसको प्रॉपर ढक के आपको इसमें खाद डालना है, गोबर या फिर भूसा मिक्स में कुछ भी आप डाल सकते हैं। या फिर ये देखिए, मैंने पत्ते भी डाल रखे या यहाँ से जो साफ किए थे इन पेड़ों के, तो वो डाले थे। और ये बेड मैंने कल तैयार किया, आप देख सकते हैं। इस बेड में मैंने पहले यही किया था, इसमें ईंटें लगा रखी है, आप देख सकते हैं। ये ईंटें लगा के तरपाल बिछा के उसमें वो फिर गोबर डाल दिया, और गोबर डाल के थोड़ा सा पानी डाला, फिर दो तीन दिन इसको पड़े रहने दिया। फिर उसके बाद इसमें वर्म्स छोड़े, केंचुए, और उसके बाद आप या तो पराली से ढक सकते हैं या फिर भूसे से। मैंने ये भूसे से ढक दिया है। और ये तिरपाल इसको भी मैं इसको ढक के रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो नेवले और बगुले बहुत परेशान करते हैं, इसके अंदर अंदर से वर्म्स निकाल निकाल के खा जाते, इसलिए इसको ढकना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और जब इसको ये पूरा तैयार हो जाएगा और पूरा खाद हो जाएगा इसके ऊपर, तब मैं केंचुए छोड़ने की पूरी प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। ये बेड की विधि आप जान गए। अगर बेड तैयार हो गया तो उसके ऊपर गोबर कैसा डालना है। गोबर आपको हरा या फिर पीला डाल सकते हैं। गोबर एक बात का ध्यान रखें, सूखा गोबर कभी ना डाल। अगर आप कहीं से खरीदे, अगर आप गायों भैंसों का हैंडू हैंड डालें वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप कहीं से खरीदे तो सूखे गोबर का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें केंचुओं को खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है इसे खाद तैयार होने में। गोबर हरा पीला ही डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर बेड की लंबाई कितनी रखनी है। बेड की लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें लंबाई चौड़ाई, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार रखें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लंबा कर दिया और फिर बाद में वो खाद लेने में बहुत परेशानी हो रही है, तो ज़्यादा लंबाई भी मत नहीं करें। और बाद में इसकी हाइट, बेड की हाइट 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि फिर ज़्यादा होने से उसमें गर्मी बढ़ जाती है और केंचुओं को मरने का खतरा रहता है। पानी देते रहिए, हफ्ते में एक बार तो पानी आपको देना ही है। पानी इतना देना है कि साइड से आपको निकलने लग जाए थोड़ा थोड़ा पानी, फिर आपको रुक जाना है। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, ठीक है, जिससे कि इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे और केंचुओं को मरने का खतरा टल जाए। तो आपने देखा ये विधि बिल्कुल सरल है, इसमें नहीं तो कुछ रॉकेट साइंस है जो आपको कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप ट्रेनिंग वालों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, आप आराम से अपने कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते हैं कि ये खाद कैसे तैयार होता है। फिर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप हो जाएंगे, आप तो इसमें ट्रेंड कोई बड़ी बात नहीं इसमें। फिर आपको अभी आपने देखा, अगर आपके पास केंचुए है तो आपको एक रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, इसमें थोड़ी सी जगह चाहिए, जगह के ऊपर आप अपने वो बाउंड्री बनानी है, थोड़ा तिरपाल या पन्नी डाल दीजिए, या पन्नी मार्केट से ले आइए। एक बार लाएंगे तो फिर वो 2-3 साल तक लंबी चलेगी, उसके प्लास्टिक है, उसके तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और यहाँ पे ये मैंने देखी, ये मैंने सिर्फ अपने घर के खेतों के लिए तैयार किया है। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, इसको बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, आप थोड़े बड़े लेवल पर बना दीजिए, उसमें बेड थोड़े लंबे चौड़े ज़्यादा बना दीजिए। और ये देखिए, मैंने ये खाद तैयार करके रख रखा है और 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है, क्योंकि मेरे पास केंचुए बहुत ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा केंचुए डालता हूँ। तो ये केंचुओं की संख्या पर निर्भर करता है कितने दिनों में खाद तैयार होता है। मैं थोड़े ज़्यादा केंचुए डालता हूँ तो इसलिए ये जल्दी तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये तैयार खाद है, बिल्कुल एकदम फ्रेश है। ये मैंने कल ही छाना था इसको। और ये देखिए, बिल्कुल तैयार खाद की एक खासियत होती है कि ये इसमें 1% भी गंध नहीं आती किसी चीज़ की। ये बेड देख सकते हैं आप, ये दोनों बेड हमने शुरुआती दिनों में तैयार कराए थे जब मैं 11th क्लास में था, 4 साल होने को आए, तो तब हमने ये तैयार करवाए थे। अब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उसी विधि में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि इसमें खाद लेने में और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम केंचुए कहाँ से लाते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं आपको। रोक, तो ये देख सकते हैं, ये ढेर है जहाँ पे हम अपनी गायों और भैंसों का गोबर डालते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा ढेर है, अभी ये गहराई में भी इतना ही, आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो।
हमें जब भी इमरजेंसी में जरूरत होती है तब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आइए आपको कैसे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल खाई तैयार खाद है। और यहाँ पे आप देखना, ये देखो, ये देखिए कैसे यहाँ पे बगुले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बगुले, इसलिए हमने ये ऊपर डाल रखा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें पूरे में फैले हुए हैं। ये ढेर दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए आप, बहुत बड़ा ढेर है ये, और इसके अंदर भी उतना ही, ये अंदर से भी उतना ही ज़्यादा गहरा है जितना यहाँ से ऊपर भरा हुआ है। ये इसको वापस रख देते हैं अभी। यहाँ से मैं डेली यहाँ से खाद लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे तैयार होता जाता है वो कैसे अंदर जाते हैं। अगर पानी की बात करें, यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, तो यहाँ पे पानी, ये देखिए हमारी ये पशुओं को पाने के लिए, पानी पिलाने के लिए जो बना रखी, इसको जब धोते हैं तब उसमें से पानी निकल के सीधा उसी में जाता है, उसी ढेर में। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे विधि, कौन सा गोबर लेना है, उसकी साइज़ कितनी रखनी है, केंचुए को पानी कितने टाइम में देना है, सब समझ गए होंगे। अब जब वो हमारा ढेर तैयार हो जाएगा तब मैं आपको खाद कैसे लेना है, उसको केंचुओं को कैसे साइड में करना है, छानना है, उस सभी विधि, वो पूरी प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैंने जैसे बताया था कि गोबर वोबर बिछाना है, उसमें सब मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अब उसके बाद ही आगे की प्रोसेस हम जानेंगे इसमें, कि गोबर जो डाल दिया उसके बाद वर्म्स इसके अंदर कैसे डालने हैं, आइए बताता हूँ आपको। जैसे अब ये देखिए, जैसे इसमें ये वर्म्स है, ये देखिए, और ये मैंने उसी ढेर से उठाया है, कल निकाला था इसको, ये देखिए वर्म्स है इसमें, इनको इसके ऊपर कैसे डालना है, ये देखिए, ये केंचुए हैं, बहुत मोटे मोटे हैं यार। इन केंचुओं को, ये जो मैंने इकट्ठा किया था, इन केंचुओं को ये जो मैंने इकट्ठा किया था उसके ऊपर डालना है। अब ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि आपको खाद डालते ही इसको केंचुओं को नहीं डालना है, क्योंकि ये इसमें ये बहुत गर्म रहता है खाद। जैसे मैंने ये बेड तैयार किया है, बेड तैयार करने के लिए मैंने इसको, ये पहले बताया था आपको, बता दिया, इसके ऊपर खाद डाला। अब खाद डालने के बाद तुरंत बाद आपको नहीं डालना है ये वर्म्स केंचुए, उसके लिए आपको पहले तैयार किया पानी डालना है, 3-4 दिन तक इसको रखना है, और 3-4 दिन तक रेगुलर पानी डालना है, जिससे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाइए, ज़्यादा गर्म ना रहे, वरना इसी गर्मी से केंचुए मर भी सकते हैं। मैंने जो इनको डाल दिया केंचुओं को, उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी डालना है, और इनको या तो पराली से ढक सकते हैं आप, या फिर आप भूसे से ढक दी, मैं भी भूसे से ढकूंगा, और उस वीडियो वाली प्रोसेस आपको मैं एक बार फिर भी ऊपरी बता देता हूँ। ये सबसे पहले, अब ये देखिए, मैं यहाँ पे एक और बेड तैयार करूँगा। बेड तैयार करने के लिए ये पहले ऐसे मेड़ थी हमारे खेत की, उस मेड़ को ऐसे पहले समतल किया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मिट्टी खींच के इसका लेवल ऊपर उठाई, बाउंड्री बनाई मैंने, और बाउंड्री बनाने के बाद मैं इसमें तिरपाल पन्नी कुछ भी बिछा दूंगा और उसके ऊपर खाद डालूंगा। फिर ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस करनी है, और जब छानना होगा तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, और कोई मैं पहले से तैयार भी नहीं है जिसका मैं डायरेक्ट छान के आपको बता सकता हूँ। ये मैंने आपको बनाने के लिए ये बेड बताए हैं।